राजधानी जयपुर के आमेर में रैपिड एक्शन फोर्स 83 बटालियन के कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह ने अधिकारी और कार्मिकों के साथ साइकिलिस्ट महेश कुमार का भव्य स्वागत किया और इस दौरान उनको स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया गया। बता दें, महेश कुमार द्वारा अंगदान के लिए आमजन को जागरूक और सैनिकों के सम्मान के लिए दिल्ली के इंडिया गेट से मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया तक 1500 किलोमीटर की दौड़ कर रहे हैं। और महेश कुमार के मुताबिक 19 मार्च को दिल्ली के इंडिया गेट से उन्होंने दौड़ शुरू की और वो 30 दिन में गेटवे ऑफ इंडिया जाने का टारगेट पूरा करेंगे। साथ ही वो अपने अगले मिशन भारत से न्यूजीलैंड तक साइकिल यात्रा को लेकर भी उत्साहित नजर आए। हुआ है और 250-60 प्लस किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं और इसमें हम दो मुख्य उद्देश्य पे काम कर रहे हैं। पहला है ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस और दूसरा है अ ट्रिब्यूट टू ऑल डिफेंस सर्विसेज। जैसा कि मेरे फादर खुद एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं तो हम समझ सकते हैं कि डिफेंस पर्सन जो होते हैं कितने सारे सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन आम पब्लिक वो चीज नहीं समझ सकती। और दूसरा वही हम एक संदेश है कि जो हम आम पब्लिक तक एक जो बीच का जो गैप है हम उसको फिल करना चाहते हैं कि उनकी जो रियल लाइफ की जो स्ट्रगल है हम वो आम पब्लिक के बीच में ला पाए। कि मैं तारीफ करना चाहूंगा कि इतनी कम उम्र में इस तरह का जज्बा रखना और इस तरह का प्रयास करना। इंडिया गेट से गेटवे ऑफ इंडिया, दिल्ली से मुंबई, कोई आसान कार्य नहीं, वो भी 30 दिन के अंदर। अगर आप एवरेज लगाएं तो 50 किलोमीटर पर डे के हिसाब से तो ये कोई आसान कार्य नहीं है। और इस कार्य को अपने ऊपर लेना और उसको कर दिखाने की दिल में वो जज्बा रखना, ये वाकई काबिले तारीफ है। और उसके लिए उन्होंने जो चीज़ें चुनी हैं, जो अपना मैसेज इन्होंने दिया है इस के दौरान, सबसे पहला तो ऑर्गन डोनेशन का, जहाँ तक फोर्सेस का अवेयरनेस का सवाल है, यहाँ पे जितने फोर्सेस के खड़े हैं लोग, मेरे ख्याल से सभी ने अपने ऑर्गन्स डोनेट कर रखे हैं। मैंने खुद ने अपने सारे ऑर्गन्स डोनेट कर रखे हैं, पर ये अवेयरनेस सिविल